मात्र 25 रुपए में 1 लाख की सरकारी नौकरी। ये आपको कोई हंसी या मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि 25 रुपए में 1 लाख की गवर्नमेंट जॉब का क्या प्रावधान है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इस वक्त EPFO का फॉर्म आ चुका है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पूरा उसमें कहते हैं फुल फॉर्म। तो इस EPFO के फॉर्म के लिए इसमें दो प्रकार की पोस्ट है, एक EPFO ऑर्गेनाइजेशन और एक APFO है, APFO। और इसमें दो पोस्ट है, एक EO की है, एक AO की है। EO का मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और AO का मतलब अकाउंट ऑफिसर। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी शुरुआत फॉर्म भरने की कब से हो गई, तो मैं इसके अगर फॉर्म भरने की तारीख की बात करता हूँ, तो इसकी तारीख जो है फॉर्म भरने की, वो 25 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक है। 25 फरवरी 2023 से लेकर 17 मार्च 2023 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अभी मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी कोई बहुत अच्छी खासी एलिजिबिलिटी या किसी प्रकार का डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं मांगते हैं। इसमें सीधे से आपसे छोटी सी चीज मांगी है जो इसकी योग्यता निर्धारित करती है, कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से सिंपल ग्रेजुएट हो। सिर्फ ग्रेजुएशन इसकी योग्यता है और इस योग्यता के आधार पर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट, ठीक। इस योग्यता के आधार पर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से आप स्नातक हो, तब आप इसके फॉर्म भरने के काबिल हो जाएंगे। और फॉर्म भरने की जो गवर्नमेंट फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए है। आप चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से हो, आप चाहे ओबीसी कैटेगरी से हो, आप चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, या आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित हो, किसी भी समुदाय से संबंधित हो, आपको मात्र और मात्र 25 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की जाती वैकेंसी है। अब अगर मैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेता हूं, तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, सबसे पहले हम एक चीज बात कर लेते हैं एज की, कि जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर दो पोस्ट है, एक ईओ की है एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और एक एओ की है अकाउंट ऑफिसर। ईओ के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 वर्ष तक होनी चाहिए और एओ के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम एज क्या है, किस एज से ये शुरुआत करते हैं, मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया ये फिक्स नहीं करते हैं। मैक्सिमम आप 30 साल के हो सकते हैं, इससे ऊपर होंगे तो आप ईओ की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और मिनिमम आप कितने के होंगे इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। एओ में आप मैक्सिमम 35 वर्ष तक की उम्र के होंगे तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ईओ की बात कर लेते हैं, तो ऑल इंडिया इसमें 418 कुल वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी और हर प्रकार की कैटेगरी को मिलाकर। अगर मैं ईओ की बात कर लेता हूं तो एओ की बात कर लेता हूं, तो यहां पर टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 154 है। अब हम लोग धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ते हैं कि क्या सिलेबस हो सकता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, उसको भी मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। सबसे पहले योग्यताओं पर बात की थी। एग्जाम का जो पैटर्न है यूपीएससी ईपीएफओ ईओ और एओ के रिक्रूटमेंट के तहत, इसमें दो फेज में आपका एग्जाम होता है, फर्स्ट फेज और फेज सेकंड। फर्स्ट फेज में आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है जिसे आरटी कहते हैं, और उसके बाद ये इंटरव्यू होता है। फर्स्ट फेज में ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर के होते हैं, और सेकेंड फेज में जो इंटरव्यू होता है वो 100 नंबर का। वेटेज अगर की बात करें कि ये वेटेज किस प्रकार से होता है, तो यहाँ वेटेज की बात करें तो फर्स्ट फेज के इंटर जो रिटन टेस्ट होता है उसका जो वेटेज होता है वो 75% होता है, और इंटरव्यू की अगर वेटेज की बात करें तो ये 25% वेटेज पर काम करता है। यानी आपके फर्स्ट फेज में जितने नंबर आएंगे उसका 75% लेकर, और सेकेंड फेज यानी इंटरव्यू में जितने नंबर आएंगे उसका 25% लेकर मेरिट का निर्धारण किया जाता है। आगे बात करते हैं तो यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है कि कंडक्ट इन टू फेजेस विच आर गिवन बिलो, जैसा मैंने आपको बता दिया था। एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है पेन और पेपर बेस्ड, जिसे रिटन एग्जाम भी कहते हैं, जिसमें मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। सेकेंड फेज इंटरव्यू का होता है, जिसके विषय में अभी मैंने आपको बताया कि 25% इंटरव्यू के मार्क्स फाइनल मेरिट में बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। आगे जैसे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जो है वो लिखा हुआ है। एग्जाम ड्यूरेशन फॉर यूपीएससी ईपीएफओ इज 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्जाम होता है।
2 घंटे के एग्जाम जो रिटर्न होगा वो आपको 2 घंटे के लिए देने को मिलेगा, और जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनके साथ स्क्राइब के कारण उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पर आर में, हर 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी 2 घंटे में 40 मिनट इनके पास एक्स्ट्रा होंगे। टोटल मार्क्स फॉर द रिटन टेस्ट इज 300 मार्क्स। जो भी आपका रिटन टेस्ट होगा वो टोटल 300 नंबर का होगा, और उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग भी ऐड होती है। आगे बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कितने नंबर पर ये मार्क्स होते हैं। देखो, जो पहला रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है जिसे आरटी कहते हैं, जो पेन पेपर बेस्ड होता है, जिसमें 300 नंबर आते हैं, इसका 75% आपका वेटेज लिया जाता है मेरिट के लिए। और जो इंटरव्यू होता है ईपीएफओ का, ये 100 नंबर का होता है, इसका 25% वेटेज लेकर फाइनल मेरिट का निर्धारण होता है, जैसा मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी अवगत करा चुका हूँ। आगे बात करते हैं कि जो स्कीम होती है किस प्रकार की होती है। सब पूरा एग्जाम 2 घंटे का होगा, ऑल क्वेश्चन वी कैरी इक्वल मार्क्स, सारे के सारे प्रश्न समान मात्रा में अपना वेटेज रखते हैं, यानी हर क्वेश्चन के नंबर जो होंगे वो बराबर होंगे। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 300 प्रश्न होंगे। द मीडियम ऑफ 300 नंबर का प्रश्न हो गया, ठीक है। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ, ये बाइलिंगुअल आपसे पूछा जाता है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा ईपीएफओ का पेपर अन्य किसी भाषा में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 2 भाषाओं में मिलता है, हिंदी में और इंग्लिश में। आगे की बात करते हैं, पेनाल्टी जो रॉन्ग आंसर पे है वो मैंने आपको बता दी है कि रॉन्ग आंसर पर 1/3 की पेनाल्टी यानी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो जो सिलेबस है उसमें आपसे जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। जनरल इंग्लिश इसलिए पूछी जाती है कि जो कैंडिडेट है उसके इंग्लिश लैंग्वेज की जो समझ है उसके लिए जनरल इंग्लिश का एक हिस्सा रखा जाता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे उसमें रखे जाते हैं जो तमाम आम जिंदगियों में प्रयोग होते हैं, जिससे परीक्षार्थी या जो अभ्यर्थी है उसकी इंग्लिश में समझ का अंदाजा लगाया जा सके। आगे बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो तमाम स्ट्रगल की गई है उसके विषय में सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा। जितने भी करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट होते हैं वो पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी पे प्रश्न आएंगे आपसे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, अकाउंट से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उस पर भी आपको यहाँ प्रश्न मिलेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे हैं, लेबर लॉ के विषय में क्या प्रश्न हो सकते हैं ये आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि ईपीएफओ का फॉर्म या ईपीएफओ के फॉर्म में अप्लाई करता है उसको लेबर लॉ के विषय में भी पता होना आवश्यक है, ठीक है। डिटेल सिलेबस में अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें भी उस सिलेबस में आगे जुड़ी होती हैं, जैसे जनरल साइंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, साथ में जनरल मेंटल एबिलिटी जिसे आप रीजनिंग, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप मैथ्स के नाम से जानते हैं ये भी है। फिर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया में सोशल सिक्योरिटी का क्या महत्व है, यानी सामाजिक अनुशासन या सामाजिक सिक्योरिटी सुरक्षा का क्या महत्व है, इस पर भी प्रश्न आपको मिलेंगे। डिटेल सिलेबस में आपको यहाँ पर आगे जानकारी होगी जो ये लिखा हुआ है कि डिटेल सिलेबस कहाँ से क्या पूछा जाएगा। तो जनरल स्टडीज में इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स एंड द करेंट इवेंट्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ये एक डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपके सामने लिखा है, इसमें ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये पूरा ईपीएफओ के विषय में जानकारी थी। जितने भी बच्चे ईपीएफओ का फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसके लिए शुल्क मात्र और मात्र 25 रुपये निर्धारित किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मात्र और मात्र 25 रुपये। और जिसकी अगर तिथि की बात करते हैं तो 25 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 17 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद 18 से लेकर 24 मार्च तक यानी पूरा 1 हफ्ते का जो समय होगा, अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसके करेक्शन के लिए दिया जाएगा कि आप फॉर्म को करेक्ट करके फिर से दोबारा सबमिट कर दीजिए। तो ये ऑल डिटेल है, सभी इच्छुक लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर मैं ये फॉर्म भरने वाला हूँ, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली हो फॉर्म से संबंधित या किसी और से संबंधित, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।